पर हाँ, इस किस्म का रोल शायद मैंने इससे पहले प्ले नहीं किया था, तो ये एक एक डायरेक्टर का एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप के ऊपर, जो वो इस फिल्म में बताना चाहते हैं कि एक कपल जब नया नया कपल होता है तो एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करता है, एक अपना प्यार जताता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जताता है, एक दूसरे के लिए स्टैंड बाय करता है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, हर चीज़ अच्छी लगती है, एफर्ट करता है, और फिर धीरे धीरे जब उनके गोल्स अचीव होते हैं, जैसे कि शादी के गोल्स अचीव हो गए या बच्चे का गोल अचीव हो गया, तो धीरे धीरे उनका एक दूसरे में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कम होता जाता है या ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप के ऊपर इम्पैक्ट होता है। एंड ये एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, हमारी ज़िंदगी में कई लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे डायरेक्टर ने एक वेरी सेंसिटिव येट वेरी लाइट हार्टेड फिल्म बनाई है, जो हम इसको बड़े एक अलग अंदाजे से देख के महसूस कर सकते हैं। तो बेसिकली इट्स अबाउट रोमांस, लॉस ऑफ रोमांस, एंड प्रोबेबली अबाउट गेनिंग रोमांस बैक इज व्हाट द फिल्म इज ऑल अबाउट। सो इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप। सो दिस कैरेक्टर वॉज समथिंग दैट आई हैव नॉट डन, और इसका जो इंटरप्रिटेशन था जो मेरे डायरेक्टर के माइंड में था उसको मैंने काफ़ी फॉलो किया, और जो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे कि सबसे पहले क्या हो जाता है कि जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तो आप अपने बेस्ट लुक में होते हैं, बेस्ट बिहेवियर में होते हैं, फिर जैसे आपकी ज़िंदगी में आपका पार्टनर मिल जाता है तो आप कभी कभी आप अपने फिजिकैलिटी को भी आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हो, शायद आप तो आपका वज़न बढ़ जाता है या तो आपकी आदतें बदल जाती हैं, और जो आप पहले जो करते थे वो कम करते हो या करना बंद कर देते हो, और उसका असर होता है। तो मेरे साथ जो उन्होंने बताया कि जैसे कि तुम मुझे अपनी इस फिल्म के अंदर ये दिखाना पड़ेगा कि मैंने अपने हेल्थ को कैसे कॉम्प्लेसेंट हो जाता हूँ, जहाँ मैं निगलेक्ट करता हूँ, वज़न बढ़ा देता हूँ, तो इस फिल्म में मैंने डिलिब्रेटली कुछ 5-6 किलोज एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं, ताकि वो मैं इस कैरेक्टर में उनके लिए लगे कि वो कि यह शादीशुदा आदमी कभी कभी अपने आप को इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, जबकि आदमी को अपने हेल्थ के ऊपर, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या ना हो, अपने वज़न को, अपने हेल्थ के ऊपर हमेशा ध्यान देना चाहिए। लाइक आई सेड के यू नो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग जॉनर, एंड इट्स अ स्लाइट रोमांटिक थ्रिलर डिटेक्टिव काइंड ऑफ जॉनर, वेर वेरी वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म हैव बीन मेड इन द पास्ट विद डिफरेंट स्टोरीज। So yes, it's a kind of a genre that is very exciting, and a lot of people have seen stuff like probably on those lines before and enjoyed it and made them into successful films. And we're hoping that ये भी film लोगों को पसंद आएगी और entertaining लगेगी, and they enjoy the story, the characters and the scenes and the actings in the film. बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।